मैनपुरी में सूत्री मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने करहल के तहसील मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। इसी दौरान उन्हें ऊर्जा मंत्री के मुर्दाबाद के नारे लगाए, किसान अन्न का दाता है फिर भी भूखा प्यासा मरता है, और जय जवान जय किसान के जोशीले नारे लगाए। बरेली में एक दूसरे समुदाय की महिला ने आरोप लगाया कि अन्य समुदाय के लड़के ने उससे शादी की थी, अब अपने साथ रखने से इनकार कर रहा है। महिला ने इसकी शिकायत थाना बारादरी पहुंच कर दी। पुलिस अभी तक मामले में इस महिला को समझा बुझाकर साथ रखने की कोशिश में जुटी है। क्या नाम है आपका? पूजा चौहान। पूजा बताइए, क्या मामला है, क्या हुआ था, पूरी घटनाक्रम बता दीजिए। यही कि मोहम्मद अजहर मैं अपनी बहन के यहाँ रहती थी बिशलपुर में। ये मेरे घर के सामने एलजी शोरूम पे जॉब करते थे। इन्होंने मुझसे बातें की, हिंदू बताया अपने आप को, ठीक है। फिर मैं इनसे शादी करने के लिए तैयार हो गई तो इन्होंने मेरे साथ फिजिकल रिलेशन करा। जब मुझे पता चला ये मुसलमान है तो मैंने मना कर दिया। इन्होंने अपने फ्रेंड के साथ मिलकर मेरा MMS बनाया और उसके थ्रू मुझे ब्लैकमेल करा, मेरा धर्म परिवर्तन कराया, मुझसे शादी की। शादी के बाद अपने घर इनके घर गई मैं, इनके घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं किराए के मकान पर रही। भाई इनके दोस्त जीशान और इनके भाई बिक्की रिक्की ने मेरे साथ में ज़बरदस्ती की, और जब मैंने अजहर को बताया तो अजहर ने मुझे बहुत इतना मारा कि मेरे नाक से दो दो तीन तीन बार खून निकाला और बेल्टों से मारा। यहाँ तक कि अगर मैं लेट जाती थी तो फटाक से बेल्ट मारते थे मुझे, लेटने तक नहीं देते थे। कहते थे कि तूने जो करा है वो, और मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे, जबकि मेरे पास्ट में मेरे साथ जो भी हुआ था इसको सब कुछ बता रखा था मैंने जी, और उसके बाद भी इसने मेरे साथ ऐसा करा। तो जब आपके सर में से जी टीका लगा के अपना नहीं, ये कैप लगाता है और मतलब कभी ऐसा नहीं दिखाया। इसने अपना नाम शेरू बताया था, तो शेरू नाम नॉर्मली लगता था हिंदू में, तो ये शेरू नाम से बात करता था मुझसे। कैसे पता चला आपको मुस्लिम? जब इसने मेरे साथ फिजिकल रिलेशन करा, तब इसने अपने मामा की जी के घर पे ले जाके मेरे साथ फिजिकल रिलेशन करा। वहाँ पे इसके दोस्त दिशान ने मेरा MMS बनाया, और जब मैंने शादी के लिए मना करा, मैंने कहा चलो जो हो गया मैं शादी नहीं कर सकती, मैं किसी हिंदू से शादी करूँगी, चाहे वो नीचा हो या ऊंचा हो, जो भी हो। तो इसने कहा कि अगर तुमने शादी नहीं की तो मैं तुम्हारी वीडियो डाल दूँगा नेट पे। और भी लोगों के सामने आपको मैनपुरी में रासलीला का आयोजन किया जा रहा है। इसी दौरान कलाकारों ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हुए पंडाल में जमकर रास रचाया। आगरा के जिला अस्पताल में आग लगने से मची अफरा तफरी। आपको बता दें कि नेत्र रोग विभाग के स्टोर रूम में भीषण आग लगी थी। आग में दवाइयां और अन्य सामान हुआ जलकर राख। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर बड़ी मुशक्कत के बाद काबू पाया। क्या क्या नुकसान? नहीं, अभी तो नुकसान का आकलन होना बाकी है, अभी सच में नुकसान नजर आया नहीं है। भगवान के गार्डन थे जो आग बुझाने में गीले हो गए, पूरा सामान वहाँ से निकाल लिया गया है। करीब 8:30 के बाद की बात है, कर्मचारियों ने वहाँ जो मौजूद थे उन्होंने कुछ धुआं कुछ स्मेल किया वहाँ, तो उन्होंने जाकर देखा तो स्टोर के पीछे से कुछ धुआं निकलना शुरू हुआ, तो धीमे धीमे कुछ बढ़ा। इसी बीच में सब कर्मियों ने मिलकर कार्य एक्सपीरियंसर जितने हमारे पास अस्पताल में मौजूद थे उनको बुझाने की कोशिश की है, लेकिन आग कहीं दिखाई दी नहीं तो वो धुआं हुआ। इसी बीच में एक से एक का संपर्क किया गया लेकिन संपर्क हो नहीं पाया। फिर DM साहब के ऑफिस से DFO साहब का नंबर लिया गया, इसी बीच में मैंने भी फ़ोन अपने पर्सनल के मेरे पास नंबर को फायर सर्विसेज से उनको कर दिया। उन्होंने 5 मिनट में 2 फायर टेंडर और एम्बुलेंस अपने भेज दी। उन्होंने आके तुरंत ही उस पर सामान निकलवा के पानी का छिड़काव किया, तो आग सारी ऐसे नहीं लगी थी। कोई अभी ऐसा कोई मैंने आपको शॉर्ट सर्किट उन्होंने बताया, पीछे दो तार जले हुए थे मैं काटने लगे। करहल RSS का मंडल स्तर विस्तार करने के उद्देश्य से करहल के ग्राम ककवाई में RSS की शाखा लगाई गई। RSS की शाखा में लोगों को योग अभ्यास कराया गया। ग्वालियर के मुख्यमंत्री कमलनाथ सिंह प्रवास के दौरान मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की माता के दुखद निधन पर उनके निवास स्थान पर पहुंचे और श्रद्धा सुमन अर्पित की। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर की माताजी श्रीमती शारदा देवी सोमवार को निधन हो गया था। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन तत्वाधीन में पत्रकार उत्पीड़न के संबंध में संबोधित पत्र बलिया DM को सौंपा गया। पत्र में कहा गया कि मिर्जापुर जनपद के ब्लॉक जमालपुर के प्राथमिक विद्यालय में 22 अगस्त को मिड डे मील में छात्रों को नमक की रोटी दिए जाने के संबंध में समाचार से जिला प्रशासन द्वारा नवीस पत्रकार के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करने व प्रेस की आवाज़ को दबाने का कार्य किया गया। शशिकांत मिश्र, जिलाध्यक्ष बलिया, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश। जी, आज जिलाधिकारी कार्यालय पर आपके यहाँ क्या है?
देखिए, पूरे प्रदेश में कहीं पत्रकार की हत्या हो रही है, कहीं फर्जी मुकदमे में पत्रकार फंसाया जा रहा है, कहीं उसकी आवाज़ दबाई जा रही है। इन सब सारी दिक्कतों को देखते हुए ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश आंदोलन के पहले चरण में पूरे प्रदेश में आज महामहिम राज्यपाल को संबोधित एक मांग पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से दिया जा रहा है। क्या मांग में क्या है? मांग में प्रमुख ये है कि मिर्जापुर के एक पत्रकार जिसने मिड डे मील में नमक रोटी खिलाए जाने का तथ्यपूर्ण समाचार प्रकाशित किया था, उसके विरुद्ध जिला प्रशासन ने मुकदमा दायर कर उत्पीड़न किया, जिसकी निष्पक्ष जांच के लिए एसोसिएशन ये मांग करता है कि न्यायिक जांच कराई जाए और न्यायिक जांच की निष्पक्षता बनी रहे, इसलिए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर का स्थानांतरण कर दिया गया। अभी आप सभी को मालूम होगा कि सहारनपुर के पत्रकार बंधु की हत्या हुई, उसमें जो मुआवजा दिया गया वो अपर्याप्त है। हमारा एसोसिएशन ये मांग कर रहा है कि उस पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपये और दोनों पत्रकार भाइयों की विधवाओं को या उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी दी जाए, इसकी मांग हम कर रहे हैं। प्रशासन हमारा कहीं ना कहीं उत्पीड़न कर रहा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुठाराघात हो रहा है, निष्पक्ष पत्रकारिता दबाई जा रही है, इसके विरुद्ध हमने पत्रक दिया।